हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 28 अप्रैल 2024 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन से ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 अप्रैल और ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो प्रश्न संख्या जो एक है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या दो है कि हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या दो का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। प्रश्न संख्या तीन है कि आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व ऑलराउंडर को आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन से हरभजन सिंह को, ऑप्शन बी युवराज सिंह को, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली को और ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को। तो प्रश्न संख्या तीन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, युवराज सिंह को। प्रश्न संख्या चार है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस कब मनाया जाता है। युवराज सिंह भारत जब 2011 और 2007 में जो वर्ल्ड कप जीता था T20 में 2007 में और 2011 में ODI वर्ल्ड कप, उसमें ये काफ़ी इनकी भूमिका अहम रही थी। और 2011 का जो वर्ल्ड कप था जो ODI फॉर्मेट में खेला गया था, उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह ही थे। प्रश्न संख्या चार है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 26 अप्रैल को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 27 अप्रैल को और ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। तो प्रश्न संख्या चार का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 अप्रैल को। प्रश्न संख्या पाँच है कि हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगी। ऑप्शन से फ्रांस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। प्रश्न संख्या छः है कि हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है। ऑप्शन से युगांडा ने, ऑप्शन बी श्रीलंका ने, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी ने और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। तो प्रश्न संख्या छः, हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप 2024 से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए युगांडा ने। प्रश्न संख्या सात है कि हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है। ऑप्शन से वेनिस में, ऑप्शन बी दुबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी लंदन में। तो प्रश्न संख्या सात का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दुबई में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ है। प्रश्न संख्या आठ है कि हाल ही में एसोसेम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन से ए वेनिस में, ऑप्शन बी दुबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी लंदन में। तो प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या नौ है कि हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन से ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या नौ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या दस है कि हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक बनी है। ऑप्शन से अमरको, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी अडानी
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक बनी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमरको। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, ऑप्शन से पंजाब नेशनल बैंक पर, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक पर, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ऑप्शन से पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सिस बैंक ने फिर से अमिताभ चौधरी को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में कहाँ खोगजोम दिवस मनाया गया है, ऑप्शन से उड़ीसा में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी मणिपुर में। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में खोगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में किसे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन से अंजुम चोपड़ा को, ऑप्शन बी जुलन गोस्वामी को, ऑप्शन सी सना मीर को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 हाल ही में किसे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सना मीर को। प्रश्न संख्या 15 कि हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, ऑप्शन से फ्रांस में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी नीदरलैंड में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में प्रोबोबो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ऑप्शन से फ्रांस का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी नीदरलैंड का और ऑप्शन डी इंडोनेशिया का। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इंडोनेशिया का। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन से ए 26 अप्रैल को, ऑप्शन बी 25 अप्रैल को, ऑप्शन सी 27 अप्रैल को और ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। प्रश्न संख्या 18 कि हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है, ऑप्शन से फ्रांस का, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात का, ऑप्शन सी नीदरलैंड का और ऑप्शन डी इंडोनेशिया का। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है, संयुक्त अरब अमीरात को यूनाइटेड अरब अमीरेट्स भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन से डेरेन सैमी को, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन सी उसेन बोल्ट को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उसेन बोल्ट को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, क्योंकि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं जो 1 जून से लेकर 29 जून
2024 तक आयोजित होगा। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शन से ए पंजाब नेशनल बैंक ने, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक ने, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक ने और ऑप्शन डी इंडियन बैंक ने। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा टाटा पावर सोलर सिस्टम ने इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन बैंक। प्रश्न संख्या 21 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में रोजर पे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? ऑप्शन से एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक और ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में रोजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 28 अप्रैल 2024 के 20+ MCQ करेंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खासकर वे स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।